केदारनाथ धाम के लिए अब यात्री हेलीकॉप्टर सेवा से भी यात्रा कर सकते हैं। धाम के लिए 6 हेली कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही हैं। हालांकि आए दिन मौसम खराब होने से शाम के समय हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम के लिए उड़ानें नहीं भर पा रही है। केदारनाथ धाम के दर्शनों पर आने वाले यात्रियों के लिए हेली सेवाएं शुरू कर दी गई थी। अब धाम के लिए 6 हेली सेवाओं को अनुमति मिल चुकी है। जो यात्री पैदल चलने में असमर्थ हैं, वह अब हेली सेवाओं से भी बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। हेली सेवाओं के चलने से केदार घाटी में भी रौनक लौट आई है। धाम के लिए फिलहाल आर्यन, थम्बी, क्रिस्टल, हिमालयन एरो और पवन हंस हेली कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार 3 हेली सेवाएं केदार घाटी नहीं पहुंची हैं। प्रत्येक दिन हेली सेवाओं से 200 के करीब यात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मनोज गोयल ने बताया कि गुप्तकाशी, फाटा, शेरशी और सोनप्रयाग से 6 हेली सेवाएं केदारनाथ के लिए संचालित हो रही हैं। प्रत्येक दिन 150 से 200 के बीच यात्री हेली सेवा से केदारनाथ जा रहे हैं। हेली सेवा से जाने के लिए ई पास भी जरूरी है। मैं लगभग 6 हेली सेवाएं अपनी सेवाएं गुप्तकाशी, फाटा और शेरशी के जो हमारे हेलीपैड्स हैं वहां से उपलब्ध करा रही हैं, और इसमें करीब 120 से 150, 160 इसके प्रकार से यात्री जिनके पास यात्रा ई पास है वो अपनी हेली के माध्यम से जो जाना चाहते हैं वो लोग डेली बेसिस पे जा रहे हैं। समय साक्षी के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चन भट्ट की खास रिपोर्ट।